हाय एवरीवन, मैं हूँ कीर्ति और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है, जिसका नाम है कीर्ति झास किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्री प्रिपरेशन मकर संक्रांति के लिए। मैं क्या क्या करती हूँ एक दिन पहले मकर संक्रांति की तैयारी के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ आप लोग जानते होंगे पोहा, बहुत लोग चिवड़ा जानते हैं, और दही हम लोगों के यहाँ उस दिन बहुत असेंशियल होता है। दही और चूड़ा खाना, और दही जमाने का भी एक अपना अलग प्रोसेस होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये मैंने दूध ले लिया है और इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधा घंटा, जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो जब तक दूध उबलेगा, मीनवाइल मैं क्या करूँगी, ये मैंने इलायची ली है दो, और ये है चीनी। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये साबुत मूंग है, इसके कल मैं पकौड़ी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको मैं भिगो दूँगी। ये साबुत चना है, ईजिली अवेलेबल है ये मार्केट में। इसको दो तीन पानी से बढ़िया से धो के और फिर इसको भिगो देंगे। ये है मेरी तीसरी प्रिपरेशन, ये है उड़द दाल। उड़द दाल के मैं कल बड़े बनाऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ मकर संक्रांति व्लॉग में। ये देखिए, इसको भी मैं अच्छे से धो के और भिगो दूंगी। दालें जितनी अच्छी से भिगोई भी रहती हैं, रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। देखिए, दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम आंच को बिल्कुल ही कम करके और इसको आधे घंटे तक पकाएंगे। आधा घंटा या थोड़ा सा दूध घट के आधा घंटा या दूध को गाढ़ा होने तक जितना समय लगे, तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। गाढ़ा होने पे इसमें से एक सौंधेपन की खुशबू आती है, सौंधापन की बहुत ही अच्छी सी एक अच्छा स्वाद आता है। तो हम इसको छोड़ देते हैं दूध को उबलने के लिए। मीनवाइल हम दूसरी प्रिप कर लेते हैं मकर संक्रांति। नेक्स्ट प्रिपरेशन है मेरी आलू की अचार बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू बढ़िया से धो देंगे, क्योंकि अभी के आलू में मिट्टी लगी रहती है। फिर इसको हम चार फांकी करके और ओपन इसको भगोने में हम पकाएंगे, हल्का सा नमक और नींबू डाल के। तो चलिए हम इसको पकाते हैं। तो देखिए, मैंने ये आलू को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें हल्का सा हल्दी डालेंगे और हल्का सा इसमें ये नमक डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा आलू का अचार बनके तैयार होता है, और इसी तरीके से सेम की फली का भी अचार बनके तैयार होता है। तो अब हम इसको पकने देते हैं और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रिप पे। तो देखिए, ये दूध जो है वो लगातार बॉईल हो रहा है और धीरे धीरे अब ये गाढ़ा होने को है। तो अब हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, चीनी और इलायची, उसको हम मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, ये मैंने चीनी और इलायची को अच्छे से पीस लिया है। इसी से दही में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और दही का स्वाद और बढ़ जाता है। और इधर देखिए, ये दूध है जो कि मैं अब इसको बंद कर दे रही हूँ, और इसको एक बड़े बर्तन में पानी डालकर और इस बर्तन को मैं रख दूँगी दूध ठंडा होने के लिए। पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए नहीं, हल्का सा ये गुनगुना रहेगा, उसी पॉइंट पर हम उसमें जामुन देंगे। और जो हमने ये चीनी और इलायची का पाउडर जो हमने मिक्सी में पीसा था, उसको मिला के फिर हम दही जमाएंगे। तो चलिए, दूध को हम ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए, हम इसी बीच ये चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा
हुआ है कि नहीं। ये देखिए एक पॉइंटेड सा चाकू लेके और बहुत ही सावधानी से हम चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। तो अभी ये आलू नहीं हुआ है, तब तक हम कल जो मैं, तो देखिए तब तक हम क्या करेंगे, कल जो मैं सब्जी बनाऊंगी आलू और गोभी की मसालेदार सब्जी, तो उसके लिए मैं ये गोभी काट के अलग कर लेती हूँ। प्री प्रैप की एक यही बहुत बड़ी सुविधा होती है टाइम सेविंग की। तो अगर हम थोड़ी सी भी तैयारी पहले से कर लेते हैं आने वाले ओकेज़न के लिए, तो हमको नेक्स्ट डे बहुत ही राहत मिलती है। बहुत सारा काम रहता है फेस्टिवल पे, तो वो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली होता रहता है। तो मैं इस गोभी को काट लेती हूँ। तो देखिए अब ये आलू बिल्कुल हो चुके हैं। हम इसका एक बार ये देखिए टेस्ट भी कर लेते हैं। ये गया, ये देखिए अच्छे से ये आलू हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसकी गैस बंद कर देते हैं, पानी को पूरा स्ट्रेन कर देंगे और इसको एक प्लेट में खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर सूखने के। ये है पोहा और हम लोग यूपी बिहार में इसको कहते हैं चूड़ा। तो मकर संक्रांति के दो मेन हीरो होते हैं, एक तो दही और दूसरा है ये चूड़ा। तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी गंदगी भी रहती है, तो इसको मैं बिल्कुल भी चुन के एकदम बढ़िया से साफ़ कर लूँगी, ताकि कल हम जब दही चूड़ा खाएंगे तो हमको एकदम बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन ये पोहा मिलेगा। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और बीच में हम एक बार अपने दूध को भी देख लेते हैं जो हमने उबालने के लिए रखा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा है।